शायद हम सिंगाड़े तोड़ने गए थे, मैं और मेरी पत्नी, और वहाँ हम रास्ते में तोड़ गए सिंगाड़े। शाम के टाइम उन्होंने घर में हमारी पत्नी को खींच लिया और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर हम खड़े रहे। कौन लोग थे? एक विजेंद्र की पत्नी थी और पप्पू की लड़की थी तीन, और दो लड़के थे पापड़ी गाँव में। थाने गए थे? हाँ, ऐसा मैं गया था थाने में। वहाँ पे किसी ने कार्रवाई ना की, मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया। हाँ, कोई तो कहने लगा कभी इसके लगी है तो मर गई है, मरी तो नहीं है, जिंदगी है। मैं कि नहीं जी, मरी वही तो नहीं है अभी। फिर मैंने कुर्सियों पर डाल दी, वहाँ पर मैं कपड़े वपड़े उड़ा के डाल दी। मैंने कि वो बोले कि आप दरोगा जी आएंगे वो करके। मैंने कि भैया कोई दवा गोली के लिए कोई बोले ना, हमें कोई चीज़ की जानकारी ना मिली वहाँ से। कोई किधर को निकल जाता, कोई किधर को। दो होम गार्डन ने ये कह दिया, कह रहे ये मरीज है ना, तो जिंदगी है। हमने मेडिकल दवा गोली कराओ, तो हमने दवा गोली मेडिकल से खरीद के थोड़ी दही जो आराम मिल जाए। और इन्होंने कह दिया कि एक घंटे बाद हम तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। एक घंटे 24 घंटे हो गए अभी तक ना छा कोई। थाना अहमदगढ़ के पापड़ी गांव में दो पक्षों की महिलाओं में आपस में वाद विवाद एवं मारपीट हो गई थी, जिसमें आज पुलिस को 10/11/2024 को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि कल की मारपीट के कारण एक महिला जिनका नाम है श्रीमती सुनीता देवी, पत्नी श्री ओमकार सिंह की मृत्यु हो गई है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर थाना अहमदगढ़ में मुकदमा संख्या 286/24 समुचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। यह मुकदमा तीन नामजद महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है, जिसमें से दो महिलाएं व्यस्क हैं एवं एक नाबालिग है। दो व्यस्क महिलाओं से पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा यह भी बताया गया है कि इनके द्वारा कल 9/11/2024 को एक तहरीर थाना अहमदगढ़ पर दी गई थी, पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई। प्रथम दृष्टया इस आरोप में लापरवाही पाए जाने पर उप निरीक्षक सौरभ कुमार एवं कांस्टेबल 2075 आशु कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है।